आज इस आदिवासी दिवस के दिन इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, आप लोगों को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि साजिशपूर्ण तरीके से जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ लोगों ने इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, के सवाल पूछे हों चाहे अर्थव्यवस्था के सवाल पूछे हों, जिस मंशा से उन्होंने राहुल जी को टेलीविजन पे ना दिखाने का काम किया है, पौने घंटे के भाषण में 10-12 मिनट तो उनको दिखाया, बाकी नहीं दिखाया, यही काम ये सरकार केंद्र की कर रही है। और इसका जवाब देने के लिए, इस प्रकार के साजिशपूर्ण कार्रवाई जो बार बार ये सरकार करती है, इसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। केरला से लेकर कश्मीर तक गए थे लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को सुनने समझने के लिए, उनको आश्वासित करने के लिए। राहुल जी, आपको याद होगा बांसवाड़ा जिले में आज से ठीक 5 साल पहले जुलाई के महीने में हमने एक आम सभा करी थी। प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार यहां पर थी। आप यहां पर आए, वागड़ की धरती में आप लोगों ने, हमने सबने मिलकर लोगों को संबोधित किया। उसका परिणाम था 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। आज फिर आप यहां पर आए अगस्त के महीने में और लाखों की तादाद में जो हमारे नौजवान साथी यहां मौजूद हैं। साथियों, मेरे आदिवासी बहनों भाइयों, समय बदल रहा है, अपेक्षाएं बदल रही हैं, उम्मीदें बदल रही हैं। आज से 20 साल पहले जो आज हमारे नौजवान सपना देखते हैं, आज में बदलाव आया है। और वो लोग, वो दल जिनकी पार्टी 35-40 साल पुरानी है, जिनको इतिहास संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन छल कपट कर मनमुटाव कर द्वेष ईर्ष्या पैदा कर लोगों को आपस में झगड़वा कर वोट लेने का काम करते हैं, उनके जाने का समय आ चुका। इस साल के अंत में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों स्टेट्स में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं खास करके 36 कौम के लोगों से, नौजवान भाइयों से बोलना चाहता हूं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा हमारे दलित भाई हों, आदिवासी भाई हों, ओबीसी भाई हों, 36 कौम के लोगों को साधने का काम किया है। नीतियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं, बजट दिया है, धरातल पर काम करके दिखाया है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो देश में प्रचार करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम, डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में, ये डबल इंजन की सरकार हमने फेल करी है करना है। अब समय आ गया इसका मेन इंजन फेल कर दो दिल्ली वाला 2024 के चुनाव में। लेकिन आज राहुल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और जो ऊर्जा और जिस उत्साह से सब लोग यहां पर घंटों से बैठे हैं, इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आपका उद्बोधन सुनने के बाद सभी नौजवान भाई, 36 कौम के लोग और विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन जब घरों में जाएंगे, नए संकल्प के साथ जाएंगे, कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होगा तो हमारी सरकार के जो काम है, पार्टी की जो रीति नीति रही है, हमारा मैनिफेस्टो रहा, उस पर हम लोगों ने काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है आज की इस ऐतिहासिक सभा के बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश में गुजरेगा और राजस्थान में आप पुनः हमारी सरकार दोबारा मनाएंगे। एक बार पुनः राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।